On 26th April 1956, IDLX नाम की एक शिप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से अपनी पहली जर्नी के लिए निकली और कुछ 7 दिन बाद वो सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन ह्यूस्टन टेक्सास पहुंची। इस जर्नी का एंड होना वर्ल्ड में एक नए एरा की बिगनिंग जैसा था, क्योंकि ना ही ये जर्नी ऑर्डिनरी थी और ना IDLX सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे पहली कंटेनर शिप थी। इस शिप में रखे इन सारे बॉक्सेस को कंटेनर्स कहते हैं और गुड्स मतलब कार्गो जब इन कंटेनर्स में लोड करके एक शिप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उस शिप को एक कंटेनर शिप कहा जाता है। अब सुनने में शायद ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि इस कंटेनर के सिंपल से कॉन्सेप्ट ने हमारे पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। टुडे द डिवाइसेस वी यूज, द कार्स वी ड्राइव, द क्लोथ्स वी वेयर, इन फैक्ट इवन द फूड वी ईट, ऑलमोस्ट सब कुछ एक फॉरेन कंट्री में बनाया जाता है और ये सब हमारे पास इन बॉक्सेस में आता है। The modern container was a game changer for the shipping industry. 90% of world trade moves on water. You can't talk about supply chain without talking about containers. Back in the day, they had to fit lots of different shapes, lots of different crates and barrels and bags and piles of stuff into the hull. So you had this whole, what we call today, an ecosystem. When container shipping came along, it almost instantly made all of this obsolete. Globalization, as we understand it today, simply would never have existed without it. Hi guys, I'm Inder Kapoor. Aur aaj ke episode mein, I'll talk about the story of a box. A box that literally took over the world. The year was 1937. Malcolm McLean, जो उस टाइम एक ट्रक ड्राइवर थे, रोज की तरह अपने ट्रक में कुछ गुड्स को एक लोकल पोर्ट पे डिलीवर करने जा रहे थे। हर रोज उनके ट्रक में एक नया गुड होता था, कभी ग्रेन्स, कभी सीमेंट, कभी स्टील, और वैसे ही उनका आज का गुड था कॉटन बेल्स। उन दिनों में पोर्ट्स कुछ ऐसे या ऐसे नहीं बल्कि इस तरह दिखते थे। और जब मैकलीन ऐसे ही एक पोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें कुछ देर वेट करने को कहा गया ताकि कॉटन बेल्स उनके ट्रक से ऑफलोड करके कार्गो शिप्स में लोड करी जा सके। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1 hour, 2 hour, 3, 4, इट टुक अप्रोक्सीमेटली 8 hours बिफोर मैकलीन वॉज फाइनली सेट फ्री। इन 8 hours में मैकलीन ने देखा कि कैसे कॉटन बेल का एक एक बंडल उनके ट्रक से शिप पे ट्रांसफर किया जा रहा था। एंड माइंड यू, ये तो सिर्फ एक ही ट्रक था। एक शिप को उसकी कैपेसिटी तक लोड करने के लिए डॉक वर्कर्स को पीस बाय पीस ऐसे कम से कम 100 ट्रक्स ऑफलोड करने पड़ते थे, अ प्रोसेस विच वुड टेक वीक्स बिफोर अ शिप कुड फाइनली सेल। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये स्लो और लेबोरियस प्रोसेस मैकलीन को बॉदर कर रहा था, लेकिन उस दिन उस पोर्ट पे वेट करते हुए उन्हें फाइनली एक होप मिली। मैकलीन का ट्रक कुछ ऐसा दिखता था, इसके फ्रंट पे एक ट्रैक्टर था और इसके बैक पे एक बॉक्स अटैच था जिसे ट्रेलर भी कहा जाता है। इसी बॉक्स में ये कॉटन बेल्स लोडेड थी जिन्हें एक एक करके ऑफलोड किया जा रहा था। बट वेट, क्या हम डायरेक्टली इस बॉक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर हाँ तो पता नहीं इससे कितना सारा टाइम, एफर्ट और मनी सेव किया जा सकता था। यही क्वेश्चन उस दिन मैकलीन ने भी सोचा, एंड इन दैट मोमेंट कंटेनराइजेशन वाज बोर्न। आई जस्ट न्यू दैट इफ यू पिक्ड इट अप 20 बेल्स एट वंस इट वुड बी लॉट चीपर देन पिकिंग इट अप वन एट अ टाइम। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, मैल्कम मैकलीन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 1934 में उन्होंने पहली बार एक सेकेंड हैंड ट्रक से अपनी ट्रकिंग कंपनी स्टार्ट की थी और अभी तक उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक नए आइडिया को लेके अपना बिजनेस बिल्ड करे। एंड सो ही हैड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और इस बार 8 hours नहीं बल्कि पूरे 15 years के लिए। अगले 15 years में मैकलीन ने अपनी कंपनी को US की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रकिंग कंपनी बना दिया, ओनिंग ओवर 1750 ट्रक्स एंड अबाउट 37 टर्मिनल्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जैसे जैसे उनकी कंपनी ग्रो करने लगी, US की ट्रकिंग इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ने लगी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट से एक ट्रक पास करता था उन्हें उतना ही ज्यादा टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया जाने लगा, और यही रिस्ट्रिक्शंस बनी मैकलीन की राइट अपॉर्चुनिटी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक गुड को उसके मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का यूज करना पड़ता है। ऑफन ये जर्नी एक ट्रक से शुरू होती है जो गुड्स को एक नियर बाय सी पोर्ट पे ड्रॉप करता है, और फिर वहाँ से एक कार्गो शिप इन्हें इनके डेस्टिनेशन पोर्ट पे डिलीवर करती है। फ्रॉम दैट पोर्ट एक दूसरा ट्रक इन गुड्स को इनके कंज्यूमर्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है, और कभी कभी इस प्रोसेस में रेलवे की भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर एक ऐसी सिटी से हो जहाँ कोई सी पोर्ट ना हो, तो पहले ये ट्रक गुड्स को एक ड्राई पोर्ट पे ड्रॉप करता है जहाँ से एक ट्रेन इसे सी पोर्ट पे डिलीवर करती है, और फिर वहाँ से
द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। इस पूरे इकोसिस्टम में मैकलीन का शेयर सिर्फ ट्रकिंग तक ही लिमिटेड था और अब वो भी इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से कम होने लगा था। दिस इज व्हाई मैकलीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस टू शिपिंग। लेकिन इस एक्सपेंशन का रीजन सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं था, इस एक्सपेंशन का रीजन था ये बॉक्स, यानी कि एक कंटेनर। रिमेम्बर द टाइम जब मैकलीन ने देखा था कि कैसे डॉक वर्कर्स एक एक गुड को ट्रक से शिप पे ट्रांसफर कर रहे थे। इतने सालों बाद भी इस सिस्टम में कुछ नहीं बदला था। इनफैक्ट ये लोडिंग का मेथड तो रियल प्रॉब्लम थी भी नहीं, रियल प्रॉब्लम थी द नंबर ऑफ टाइम्स दिस लोडिंग एंड अनलोडिंग वॉज डन इन द एंटायर इकोसिस्टम। क्योंकि जितनी बार गुड्स को एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे स्विच करना होता था उतनी बार उन्हें अनलोड और लोड भी करना पड़ता था, एंड दैट टू वन बाय वन। यही रीजन था कि इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की 60-75% कॉस्ट और टाइम सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग में लगता था। दिस वॉज वॉट मैकलीन वॉन्टेड टू चेंज। वो अपने ट्रक्स को एक सेमी ट्रक बनाना चाहते थे बाय स्प्लिटिंग देम इनटू टू हाफ्स, वन द ट्रैक्टर एंड द अदर द कंटेनर। उनके प्लान के अकॉर्डिंग पहले उनका ये सेमी ट्रक एक मैन्युफैक्चरर को सेंड किया जाएगा जहां वो इस डिटैचेबल कंटेनर को अपने गुड से लोड करेंगे। फिर वहां से द ट्रक वुड गो टू द पोर्ट जहां यही कंटेनर एक क्रेन की हेल्प से उन्हीं की शिप्स पे डायरेक्टली लोड कर दिया जाएगा और फिर फाइनल डेस्टिनेशन से यही कंटेनर वापस किसी ट्रक पे शिफ्ट करके इसे कंज्यूमर तक डिलीवर कर दिया जाएगा जहां इसे फाइनली अनलोड किया जाएगा। इन दिस वे फ्रॉम लोडिंग एंड अनलोडिंग अबाउट 5-6 टाइम्स मैकलीन वुड ब्रिंग इट डाउन टू जस्ट वंस। लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें सबसे पहले शिपिंग राइट्स चाहिए थे, एंड दैट इज व्हेन ही फाउंड अ शिपिंग लाइन पैन अटलांटिक जिसे अब वो अक्वायर करने वाले थे। मैकलीन अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ अंटिल द यूएस गवर्नमेंट रिजेक्टेड मैकलीन्स एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट। उनके अकॉर्डिंग या तो वो एक ट्रकिंग कंपनी ओन कर सकते थे या फिर शिपिंग। 1937 में जब मैकलीन ने पहली बार कंटेनराइजेशन के बारे में सोचा था तब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, एंड दैट इज व्हाई ही डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन आज उनके पास रिसोर्सेज भी थे और एक ऑप्शन भी, एंड सो इन 1955 एट द एज ऑफ 42 मैल्कम मैकलीन सोल्ड हिज फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रकिंग कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू परचेज अ शिपिंग लाइन एंड कंटेनराइज द वर्ल्ड। इस कंपनी को परचेज करने के बाद मैकलीन रीनेम्ड इट टू सी लैंड इंडस्ट्रीज और अब उन्होंने अपने कंटेनर्स को डिजाइन करने के लिए एक इंजीनियर को हायर किया, एंड टुगेदर दे मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंटेनर। इसकी बॉडी स्टील से बनाई गई थी ताकि ये कोई भी वेदर या स्टॉर्म को बियर कर सके, और इसे एक स्टैंडर्ड कॉर्नर पोस्ट स्ट्रक्चर दिया गया था सो दैट ये कंटेनर फर्मली किसी भी व्हीकल पे अटैच किया जा सके और एक कंटेनर इजिली दूसरे कंटेनर पे स्टैक किया जा सके। अब इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैकलीन को स्पेशलाइज्ड कंटेनर शिप्स डेवलप करनी थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में यूज किए गए दो ऑयल टैंकर्स परचेज किए और उन्हें मॉडिफाई किया। इस मॉडिफिकेशन के बाद इन लेस देन 8 आवर्स मैकलीन ने 58 कंटेनर्स इनमें से एक शिप पे लोड किए और एक ट्रकिंग कंपनी से कुछ सेमी ट्रक्स रेडी रखने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ऑन 26 अप्रैल 1956 उनकी ये शिप न्यू जर्सी से निकली। यही थी आइडियल एक्स, वर्ल्ड की पहली कंटेनर शिप। इसके ह्यूस्टन पहुंचने के बाद इसमें रखे सारे कंटेंट्स को चेक किया गया ओनली टू फाइंड कि वो सब एब्सोल्यूट ड्राई और सिक्योर कंडीशन में थे और बहुत ही सेफली इन कंटेनर्स को मैकलीन के रेंटेड सेमी ट्रक से कंज्यूमर्स तक डिलीवर किया गया। जहां उस टाइम के कन्वेंशनल सिस्टम में 1 टन ऑफ कार्गो शिप करने की कॉस्ट $5.8 थी, वहीं मैकलीन ने 1 टन ऑफ कार्गो को सिर्फ 16 सेंट्स में डिलीवर किया। मतलब उन्होंने शिपिंग कॉस्ट को 97% से कम कर दिया। द एरा ऑफ कंटेनराइजेशन हैड बिगन। मैकलीन ने अपना पहला सबसे बड़ा हर्डल क्लियर कर लिया था, लेकिन द स्ट्रगल was not yet over. To many of you, it may seem that he was just bringing a box to the industry. Lekin actually, वो एक box नहीं, बल्कि एक completely नया system ला रहे थे. और किसी भी system को efficiently work करने के लिए, उसमें involved हर participant का agreement चाहिए होता है. For the longest time, इस industry में trucking companies, railways, shipping cartels, dock workers, port authorities, ये सब involved थे. और containerization की true success के लिए, इन सब का support जरूरी था. Both moral and monetary. और ये दोनों ही अचीव करना बहुत डिफिकल्ट था। हमारा कन्वेंशनल सिस्टम जितना इनएफिशिएंट था उतना ही लेबर इंटेंसिव भी था, और कंटेनराइजेशन एफिशिएंसी और ऑटोमेशन दोनों प्रॉमिस कर रहा था। What this meant was कि अगर सिर्फ एक ही बार लोडिंग और अनलोडिंग होगी तो इस प्रोसेस से रफली 90% वर्कर्स अपनी जॉब्स लूज कर देंगे, और इसीलिए जैसे जैसे मैकलीन अपने कंटेनर्स को लेके अलग अलग पोर्ट अथॉरिटीज को अप्रोच करने लगे, he was met with extreme worker retaliation and strikes.
The walkout by 60,000 dockers cost the nation over $100 million. The dockers' rejection of the new contract seems to stem from fear of automation. Even for the port authorities, trucking companies, railways, containerization ek bahut badi investment thi. They needed modifications, huge cranes, container ships, state-of-the-art tracking systems, semi-trucks and whatnot. This was not all. इतने सालों से शिपिंग कार्टल्स अपने कस्टमर से उनके टाइप ऑफ गुड्स के बेसिस पे फी चार्ज करते थे क्योंकि हर गुड को डिफरेंट सेंसिटिविटी से हैंडल करना पड़ता था. फॉर इंस्टेंस, इट मे कॉस्ट लेस टू ट्रांसपोर्ट ऑयल बट मोर टू कैरी मेडिसिंस. लेकिन कंटेनर्स की डेवलपमेंट ने इस पूरे मेथड को ही ऑब्सोलीट कर दिया. नाउ इट डिड नॉट मैटर कि इस बॉक्स में ऑयल है, मेडिसिन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर एक लाइव एनिमल. ऐसे ही सब चैलेंजेस की वजह से ऑलमोस्ट हर इनोवेशन को अडॉप्ट करते करते कई डेकेड्स लग जाते हैं. फॉर द नेक्स्ट डेकेड द प्रोग्रेस वॉज लो एंड सो वॉज मैकलीन्स होप. लेकिन 1965 ने सब चेंज कर दिया. वर्ल्ड वॉर टू के बाद से यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी और पूरा वर्ल्ड ब्रॉडली दो कैंप्स में डिवाइडेड था. एक था यूएसए का कैपिटलिज्म कैंप और दूसरा था यूएसएसआर का कम्युनिज्म. इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो इंटरनली भी डिवाइडेड थी, जिनमें से एक थी वियतनाम, जिसका नॉर्थ यूएसएसआर को सपोर्ट करता था और साउथ यूएसए को. ऑफन इन कैंप्स के बीच में वॉर्स होती रहती थी और ऐसी ही एक वॉर तब वियतनाम में चल रही थी. अपनी एलाई साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट वहां अपने ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और फूड सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करना चाहती थी. लेकिन कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से शायद ये सप्लाईज वहां टाइम पर ना पहुंच पाती. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की सारी शिपिंग लाइंस के साथ एक मीटिंग रखी. उसी मीटिंग में मैल्कम मैकलीन भी थे, जिनका सॉल्यूशन था कंटेनर्स. बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म के बाद मैकलीन ने फाइनली अपने कंटेनर्स के लिए वियतनाम का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया. अपने सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले वियतनाम पोर्ट को मॉडिफाई किया और कुछ ही दिनों में वो अपने कंटेनर्स वहां भेजने लगे. एट वन पॉइंट मैकलीन हर मंथ अराउंड 1200 कंटेनर्स वियतनाम सेंड कर रहे थे, ऑल ऑफ देम फुल्ली लोडेड विद सप्लाईज टू सस्टेन द यूएस आर्मी. बस एक प्रॉब्लम थी, ये कंटेनर्स जाते तो लोडेड थे लेकिन आते एम्प्टी. And this is when मैकलीन got an idea. वियतनाम से वापस आते हुए मैकलीन अपने कंटेनर्स जापान भेजने लगे, जो उस टाइम की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी. इन कंटेनर्स में जापान अपने एडवांस्ड प्रोडक्ट्स जैसे रेडियोस, कार्स, स्टीरियो सिस्टम्स लोड करने लगा. एंड स्लोली इन दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड वेंट टू अनदर लेवल. कंटेनराइजेशन की एफिशिएंसी अब पूरा वर्ल्ड देख रहा था एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन देयर वाज नो गोइंग बैक. बाय द एंड ऑफ 1960s मैकलीन की सील एंड इंडस्ट्रीज के पास 27,000 कंटेनर्स, 36 कंटेनर शिप्स एंड मोर देन 30 पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट था. स्लोली यूएस की बाकी शिपिंग लाइंस भी अब इंटरनेशनल कंटेनर सर्विसेज देने लगी. इनफैक्ट दिस नंबर वेंट फ्रॉम ओनली 3 इन 1966 टू अ वुपिंग 60 बाय 1968. व्हाइल इनिशियली ये कंटेनर्स अलग अलग साइजेस में आते थे, लेकिन इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड ने दो स्टैंडर्ड साइजेस एक्सेप्ट किए, 20 एंड 40 फीट कंटेनर्स. अब चाहे कंटेनर यूएसए से आ रहा हो, चाइना से, जापान से या रशिया से, दे वुड ऑल बी द सेम. यही रीजन है कि आज एक कंटेनर मलेशिया टू एलए का डिस्टेंस सिर्फ 16 डेज में कवर कर लेता है. फिर वहां से इट टेक्स अ ट्रेन टू शिकागो एंड देन फाइनली एक ट्रक उसे सिनसिनाती डिलीवर कर देता है. इन जस्ट 22 डेज ये कंटेनर 11,000 माइल्स ट्रेवल कर लेता है और इसकी टोटल कॉस्ट एक सिंगल फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट से भी कम आती है. दिस वॉज द मैजिक दैट मैकलीन ब्रॉट टू द वर्ल्ड. इन 2001 मैकलीन पास्ड अवे, बट ही लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड हिज इनोवेशन. An innovation that made the world smaller and our lives bigger. That's it for today. For this episode, I refer to the book The Box by Mark Levinson. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.